गाजीपुर से अजय कुमार सीनियर रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। 4 जून को मतगणना के लिए पुलिस ने किया रूट डायवर्जन। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए रूट डायवर्जन 4 जून को किया गया है। उन्होंने बताया कि हाईवे 13 अरसदपुर जंगीपुर से कोई भी वाहन नवीन मंडी जंगीपुर की तरफ नहीं जाएगा। यादव मोड़ जंगीपुर से कोई भी वाहन नवीन मंडी जंगीपुर की तरफ नहीं जाएगा। तारनपुर मोड़ जंगीपुर से कोई भी वाहन नवीन मंडी जंगीपुर की तरफ नहीं जाएगा। देवकथिया पुल के नीचे जंगीपुर के तरफ से कोई भी वाहन मंडी जंगीपुर की तरफ नहीं जाएगा। देवकथिया FCI गोदाम जंगीपुर से कोई भी वाहन नवीन मंडी जंगीपुर की तरफ नहीं जाएगा। बिछलिया तिराहा कोतवाली से कोई भी वाहन नवीन मंडी जंगीपुर की तरफ नहीं जाएगा। अंधौ चेक पोस्ट कोतवाली से कोई भी वाहन नवीन मंडी जंगीपुर की तरफ से नहीं जाएगा। गाजीपुर में मतगणना होनी है, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां की गई, क्या बताएंगे सर? 4 जून को जो मंडी है जंगीपुर में, वहां पे मतगणना की जाएगी। मतगणना संबंधी जो भी सुरक्षा की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। वहां का यातायात का प्लान, डायवर्जन प्लान जिसे कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस दिन बड़े वाहनों का आना जाना उधर प्रतिबंधित रहेगा, और सामान्य रूप से भी केवल वही वाहन उधर जा पाएंगे, दो पहिया या चार पहिया, जो व्यवस्था से जुड़े होंगे, जैसे कि जो मतगणना कर्मी होंगे जिनके पास अधिकृत पास होगा, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे शहर की तरफ से जाएंगे तो अंधौ एक चेक पोस्ट है, पुलिस चेक पोस्ट, वो तिराया भी है, वहाँ सबके पास चेक किए जाएंगे। उससे आगे केवल मतगणना कार्मिक और मतगणना में जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट लगे हुए हैं, जिनको जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पास निर्गत किए जाएंगे, और जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं वही लोग आगे जा पाएंगे। इसी तरह से अगर बात करें जंगीपुर में, हाईवे से होके कोई भी बड़ा वाहन जंगीपुर में प्रवेश नहीं करेगा, केवल मतदान अभिकर्ता और मतगणना कार्मिक और सुरक्षा कार्मिक वही उस स्थान के निकट पहुंच पाएंगे, और वो भी केवल अपनी पार्किंग तक, क्योंकि मतगणना कार्मिकों की, सुरक्षा कार्मिकों की और मतगणना अभिकर्ता पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो होंगे उनकी सबकी पार्किंग सुनिश्चित की गई है। वहाँ पर सबके साइन बोर्ड लगे होंगे, सब अपने अपने अधिकृत स्थानों पर पार्किंग करेंगे। और इसी तरह से मंडी के अंदर प्रवेश करने के लिए भी 3 द्वार हैं, तीनों का आइडेंटिफिकेशन कर दिया गया है। 1 नंबर से केवल वरिष्ठ अधिकारी ऑब्जर्वर साहिबान जाएंगे, 2 नंबर से जो मतगणना के कार्मिक हैं केवल उन्हें प्रवेश दिया जाएगा, और गेट नंबर 3 से जो मतगणना के अभिकर्ता एजेंट्स होंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको पूरी चेकिंग और फ्रिस्किंग के साथ। यहाँ मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करूँगा कि क्योंकि मतगणना स्थल पे कोई भी मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मतगणना जो अभिकर्ता हैं वो किसी भी हालत में अपने मोबाइल लेके ना आए, कैलकुलेटर इत्यादि लेके ना आए, केवल अपना कागज़ पेंसिल लेके आएंगे जिस पे वो अपना हिसाब किताब रख सकते हैं। उसी तरह से मतगणना कार्मिक भी अंदर मीटिंग जो हॉल है उसके अंदर उनको भी अलाउ नहीं रहेगा, तो वो भी अपनी व्यवस्था करके आए, क्योंकि ये सब अलाउ नहीं है। इसी तरह से जो पत्रकार बंधु हैं उनके लिए भी एक मीडिया सेंटर का स्थापना वहाँ पर की गई है, उन्हें केवल अपने उस मीडिया सेंटर में ही अपना मोबाइल और इंटरनेट इत्यादि इस्तेमाल करके, क्योंकि उन्हें अपनी सूचनाएं संप्रेषित करनी होती हैं, कर सकते हैं, उन्हें ये अलाउ नहीं होगा कि वो पूरे परिसर में अपने मोबाइल इत्यादि लेकर घूमें। तो इसका सभी लोग पालन करें, और सुरक्षा की दृष्टि से समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं, और उसमें सभी लोग सहयोग करें और शांतिपूर्ण पूरे इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाए। कैमरा लेके जा सकते हैं? कैमरा की चेकिंग होगी गेट पे, और चेकिंग के बाद कैमरा जो जिला सूचना अधिकारी है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में, वो उनका काम है निर्धारित करके, और जो माननीय
चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके अनुरूप विजिट करा सकते हैं, लेकिन पुनः मैं दोहराऊंगा कि अंदर पूरे परिसर में केवल एक ही जगह अपना मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मीटिंग सेंटर। सर, जो ग्रामीण अंचल के लोग रहने वाले हैं, जो आसपास के हैं, उन लोगों के जाने के लिए कोई रूट डाइवर्जन? सर, जो वहाँ से केवल जंगीपुर जाते हैं, जो जंगीपुर जाने वाले लोग हैं, परिहार, मेरा आग्रह निवेदन यही रहेगा कि अनावश्यक रूप से अपने घरों से ना निकलें, लेकिन जंगीपुर जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता है। जैसे सिटी से कोई जाना चाहता तो आलम पट्टी और से होके एक अंदर अंदर रास्ता गया है, उससे वो शहर के अंदर जा सकते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र जो, जैसे मैंने बताया कि तारनपुर मोड़ से लेकर और इधर देवकठिया मोड़ तक, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नो मींस लैंड, इस तरह से रहेगा, वहाँ प्रतिबंधित रहेगा। बाकी जो रोज अब आवश्यक या आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस इत्यादि, उन पर ये डाइवर्जन प्लान लागू नहीं होता है, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में, हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी हैं उनको भी ये हिदायत है कि उन गाड़ियों को प्राथमिकता के आधार पर निकालें। लेकिन अनावश्यक रूप से कोई जाना चाहेगा, जुर्म इकट्ठा करना चाहेगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।